Hello everyone, welcome back to your UPSC. So guys, in the last class we have completed our topic, that is First in Rajasthan. For today we will continue with our series, that is Apno Rajasthan, and with today's lecture we will start with geography of Rajasthan. Okay guys, so now we will start with geography of Rajasthan, and geography of Rajasthan mein apna pehla jo topic hai wo hai physiography of Rajasthan. Okay, now in physiography of Rajasthan we can also say physical features of Rajasthan. तो इसमें basically अपन जितने भी physical features हैं राजस्थान के उनके बारे में discuss करेंगे in detail. Now without any further ado, let's get started. So first of all, जैसे ही अपन राजस्थान की तरफ देखते हैं, we look at a very large land area. ठीक है, बहुत ही बड़े land mass की तरफ अपन देखते हैं, because of which Rajasthan area wise is the biggest state या largest state of India. Okay, Rajasthan is the largest state of India. अब ये largest state है तो आप देखेंगे कि region to region, okay, जो physical features हैं वो vary करेंगे. Okay, so that is why Rajasthan में जितने भी physical features हैं उनको पूरा summarize करके जो geographers हैं उन्होंने चार basic categories में डिवाइड किया है राजस्थान के फिजिकल रीजन्स को. ओके, सो दीज फिजिकल रीजन्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन. ठीक है, जो वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है वहीं पर आपका है थार डेजर्ट, एंड दिस थार डेजर्ट वी शेयर इट विद आर नेबरिंग कंट्री, दैट इज पाकिस्तान. ओके, मेजर चंक ऑफ थार डेजर्ट राजस्थान में आता है, एंड आप देख सकते हैं राजस्थान का काफ़ी सिग्निफिकेंट एरिया, वी कैन से मोर देन हाफ ऑफ द एरिया इज कवर्ड विद वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन. ओके, एंड जो थार डेजर्ट है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पोर्शन उसका राजस्थान में है, बट वी शेयर थार डेजर्ट विद पाकिस्तान एज वेल. ओके, इसके ईस्ट साइड में अगर अपन देखें, डेजर्ट के ईस्ट साइड में अगर अपन देखें तो वी हैव अरावली रेंजेस. ठीक है, वी हैव अरावली रेंजेस. नाउ दीज अरावली रेंजेस या हिली रीजन्स अपन कह सकते हैं, दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन प्रेजेंट इन इंडिया. इंडिया की सबसे ज़्यादा पुरानी फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली रेंजेस. ओके, सो अगर इनको देखा जाए तो इन देयर यंग स्टेज ये काफ़ी ऊँची रही होंगी, बट अपवेलिंग इनकी रुक गई. ठीक है, फोल्डेड मैंने आपको बताया था, फोल्डिंग जब होती है तो उसमें अपवेलिंग होगी. ठीक है, तो इनकी अपवेलिंग रुक चुकी है, एंड नाउ डेन्यूडेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हावी है इस चीज़ पे. ठीक है, अरावली रेंजेस पर इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है. ओके, सो दैट इज़ वाई इनकी हाइट काफ़ी छोटी रह गई है एज़ कम्पेयर टू द हिमालयस. ओके, नाउ जो अरावली रेंजेस है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन प्रेजेंट इन इंडिया. ओके, आगे व्हेन वी मूव टूवर्ड्स फर्दर ईस्ट आपको देखने को मिलेंगे ईस्टर्न प्लेन्स. ओके, सो जो रिवर्स हैं जो राजस्थान में फ्लो करती हैं, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ऑल, ये अपना एक प्लेन एरिया बनाती हैं. ठीक है, इसको कहते हैं अपन ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान. ठीक है, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ राजस्थान. एंड लास्टली ये जो रीजन है आपका, ये है हाड़ौती रीजन या साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेटो रीजन. ठीक है, ये क्या है आपका प्लेटो रीजन, एंड ये जो प्लेटो रीजन है राजस्थान का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेटर डेक्कन प्लेटो. ठीक है, ये डेक्कन ट्रैप का पार्ट है विच इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान. इसको क्या कहते हैं, हाड़ौती. ओके, सो ये क्या है, चार बेसिक डिविजन्स हैं. नाउ दीज डिविजन्स, ये जो क्लासिफिकेशन है, वी हैव फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कैटेगरीज. ठीक है, एंड उनकी भी सब कैटेगरीज हैं जिनको एक बार अपन समरी फॉर्म में देख लेंगे, एंड देन आगे अपन इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो यहाँ पर आपको ये सारे फिजिकल रीजन्स दिख रहे हैं. एक बार
पहले इसका एक माइंड मैप बना ले, उसके बाद इन सारे जो फीचर्स हैं उनको मैप में इनका एक्सटेंशन अपन देख लेंगे। सो राजस्थान के फिजिकल फीचर्स आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज, ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। सो फर्स्ट वन इज वेस्टर्न सैंडी प्लेन, ओके, देन सेकंड इज अरावली रेंजेस, देन वी हैव ईस्टर्न प्लेन्स, एंड देन वी हैव हाडौती रीजन, या फिर आप इसे कह सकते हैं साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेटो रीजन, ओके। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है इसको फर्दर वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडी एरिड प्लेन, ओके, सैंडी एरिड प्लेन, एंड देन सेकंड इज सेमी एरिड बेसिन, सेमी एरिड बेसिन, ओके। नाउ दिस सैंडी एरिड प्लेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज मरुस्थली, ओके, एंड देन वी हैव ड्यून फ्री ट्रैक, ठीक है, मरुस्थली एंड ड्यून फ्री ट्रैक। द सेमी एरिड बेसिन, ये इसकी चार कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव घग्गर प्लेन, घग्गर प्लेन के बाद वी हैव नागौर अपलैंड, ओके, देन वी हैव शेखावाटी रीजन, एंड लास्टली वी हैव लूनी बेसिन, ओके, घग्गर प्लेन, नागौर अपलैंड, शेखावाटी रीजन एंड लूनी बेसिन, ये क्या हो गई आपकी चार कैटेगरीज हो गई, चार सब कैटेगरीज हो गई ऑफ सेमी एरिड बेसिन, ओके। सो वेस्टर्न सैंडी प्लेन के दो पार्ट हैं, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सैंडी एरिड प्लेन, ओके, देन वी हैव सेमी एरिड बेसिन, ओके। सैंडी एरिड प्लेन की दो सब कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज मरुस्थली एंड सेकंड इज ड्यून फ्री ट्रैक, ठीक है, देन सेमी एरिड बेसिन की चार सब कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज घग्गर प्लेन, देन वी हैव नागौर अपलैंड, देन वी हैव शेखावाटी रीजन, एंड लास्टली वी हैव लूनी बेसिन, ठीक है। देन आगे चलते हैं अपन टुवर्ड्स अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस में वी विल सी फोर कैटेगरीज, ओके, जो फोर कैटेगरीज हैं वो हैं नॉर्थ ईस्ट हिल ट्रैक, या फिर अलवर हिल्स, सेकंड इज द सेंट्रल अरावली रेंजेस, ओके, देन वी हैव मेवाड़ रॉकी रीजन, या फिर आप इसे बोराट प्लेटो भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड लास्टली वी हैव आबू ब्लॉक रीजन, ओके। ये क्या हो गई आपकी चार कैटेगरीज हो गई। अब जो सेंट्रल अरावली रेंजेस हैं देयर वी हैव टू सब कैटेगरीज, फर्स्ट इज सांभर बेसिन, या फिर इसे शेखावाटी लो हिल्स भी कहा जाता है, ओके, एंड देन वी हैव मारवाड़ हिल्स। सॉरी मेरवाड़ा हिल्स, ओके, तो ये क्या हो गया आपकी सब कैटेगरीज हो गई, ओके। सो अरावली रेंजेस में वी हैव फोर टाइप्स, फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट हिल ट्रैक या अलवर हिल्स, देन वी हैव सेंट्रल एरिड रीजन, ठीक है, सेंट्रल अरावली रीजन, सॉरी, देन वी हैव मेवाड़ रॉकी रीजन, एंड लास्टली वी हैव आबू ब्लॉक रीजन, ओके। जो सेंट्रल अरावली रीजन है वहाँ पर आप देखेंगे वी हैव सांभर बेसिन, या आप इसे शेखावाटी लो हिल्स भी कह सकते हैं, एंड देन वी हैव मेरवाड़ा हिल्स, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई अरावली रेंजेस की कैटेगरीज। नाउ इसके बाद आता है अपना ईस्टर्न बेसिन,
ठीक है, या ईस्टर्न प्लेन भी इसे कह सकते हैं। नाउ ईस्टर्न प्लेन्स में तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज चंबल बेसन, देन वी हैव बनास बेसन, एंड देन लास्टली वी हैव माही या छप्पन बेसन। ठीक है, चंबल बेसन, बनास बेसन, माही या छप्पन बेसन। देन साउथ ईस्ट जो राजस्थान प्लाटो है उसमें वी विल हैव टू सब कैटेगरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेक्कन हाईलैंड एंड सेकंड इज विंध्यन रीजन। ओके, वी हैव डेक्कन हाईलैंड एंड देन वी हैव विंध्यन रीजन। ये आपकी क्या हो गई, सब कैटेगरीज हो गई। नाउ ये पूरा एक तरीके का फ्लो चार्ट बन गया अपना। अब इन सारी लोकेशंस को अपन देख लेते हैं मैप पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है वो एक्सटेंड कर रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक। ओके, नाउ यहाँ पर आपको दो सब कैटेगरीज देखने को मिलेगी। जो वेस्टर्न सैंडी प्लेन है उसमें आपको दो सब कैटेगरीज देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सैंडी एरिड प्लेन। ओके, सैंडी एरिड प्लेन एंड यहाँ पर सेमी एरिड बेसन। ओके, सेमी एरिड बेसन। सो जो सैंडी एरिड प्लेन है उसमें दो सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मरुस्थली। ओके, एंड देन वी हैव ड्यून फ्री ट्रैक। ठीक है, ड्यून फ्री ट्रैक, ये आपकी दो सब कैटेगरीज हो गई ऑफ सैंडी एरिड प्लेन। अब जो सेमी एरिड बेसन है वहाँ पर आपको चार सब कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज़ जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले एरिया में है, दैट इज़ घग्गर प्लेन। उसके बाद नीचे आता है शेखावाटी रीजन इन दिस पिंक कलर। देन वी हैव नागौर अपलैंड एंड लास्टली वी हैव लूनी बेसन। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न सैंडी प्लेन। वेस्टर्न सैंडी प्लेन के बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अरावली रेंजेस। ठीक है, जो अरावली रेंजेस है दे आर डिवाइडेड इनटू फोर सब कैटेगरीज। ठीक है, इनको चार सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नॉर्थ ईस्ट अरावली रेंजेस या फिर इन्हें अलवर रेंजेस भी कहा जाता है। ओके, देन इसके नीचे अगर अपन देखेंगे तो वी हैव सेंट्रल अरावली रेंजेस। ठीक है, द सेंट्रल अरावली रेंजेस। फर्दर डाउन वी विल सी वी हैव मेवाड़ रॉकी रीजन या फिर बोराट प्लेटो। ओके, बोराट प्लेटो एंड लास्टली वी हैव आबू ब्लॉक रीजन इन दिस पिंक कलर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपने ईस्टर्न प्लेन्स। ईस्टर्न प्लेन्स में अपनी तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चंबल बेसन इन दिस ग्रीन कलर, देन इन द स्काई ब्लू कलर वी हैव बनास बेसन एंड लास्टली वी हैव माही या फिर छप्पन बेसन। ठीक है, उसके बाद लास्ट कैटेगरी इज आर साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेटो। ठीक है, जो साउथ ईस्ट राजस्थान प्लेटो है उसमें दो सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डेक्कन लावा प्लेटो। ठीक है, या फिर इसे डेक्कन हाईलैंड भी कहा जा सकता है। एंड देन वी हैव विंध्यन स्कार्पलैंड। ठीक है, सो ये जो हैं ये आपकी क्या हो गई, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, डिटेल फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। नाउ जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस। सो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो लेट्स मीट इन आर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।